जय हिंद। हरियाणा पुलिस के फॉर्म जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं और जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से हैं और ईडब्ल्यू से भी अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उनके मन में एक डाउट बना हुआ है कि वो किस कैटेगरी से अपना फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि बार बार इधर उधर से जब वो बातें सुनते हैं, चर्चा सुनते हैं कि ईडब्ल्यू के अप्लाई करने से आपको ये फ़ायदा होगा, जनरल से अप्लाई करने में आपको ये फ़ायदा होगा, तो उनका ध्यान जो है वो भटक जाता है। आज हम आपके इस डाउट को बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं। हम जो भी बात करेंगे बिल्कुल फैक्ट के अकॉर्डिंग जो है बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जी, जो पहली कट ऑफ लगेगी ना उसकी बात करते हैं। तो ये बात बिल्कुल कंफर्म है, मेरे पास लिखित में तो कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मैं आपको कंफर्म बोल सकता हूँ कि जो पहली जो कट ऑफ लगेगी ना, जो फिजिकल के लिए हरियाणा पुलिस की, वो कट ऑफ जनरल की कम रहेगी और ईडब्ल्यू की ज़्यादा लगेगी। अब क्यों लगेगी ये बात भी सुनिएगा। अच्छा, सिकल्ला का एग्ज़ाम हुआ था पीछे, सबको पता है कि जो पहली कट ऑफ गई थी वो ईडब्ल्यू की ज़्यादा गई थी। अब बात करें अगर हरियाणा पुलिस की, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। कंपटीशन क्यों ज़्यादा? सबसे पहले तो देखिएगा एज में छूट, 5 साल एज में छूट मिली है, यानी कि पहले 25 साल तक के कैंडिडेट पेपर दे सकते थे, लेकिन अब 30 साल तक के जो बच्चे हैं, बच्चे नहीं कहूँगा, 30 साल के तो एक ये मानिए कि बच्चों से भी बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हैं, तो 30 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो पेपर देंगे, ठीक है जी। नंबर दूसरी बात है, जो 30 साल तक के कैंडिडेट हो चुके होते हैं, अगर बार बार भी वो फेल होते हैं तो भी 30 साल तक वो आराम से अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं। उनमें टीचर भी होते हैं बहुत से, मतलब जो अपनी तैयारी को बहुत दिनों से किसी पेपर को लेकर तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी भी जो है तैयारी जो है वो एक अच्छी लेवल की तैयारी बन चुकी होती है। तो यहाँ पर आपको ईडब्ल्यू की जो पहली कट ऑफ है वो कन्फर्म है कि ज़्यादा जाएगी, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ होती है ना वो ईडब्ल्यू कम जाएगी। क्यों? क्योंकि पहली जो कट ऑफ लगेगी ना वो कैटेगरी की कैटेगरी में रहेगी, यानी कि ईडब्ल्यू की ईडब्ल्यू में ही काउंट होगी और जनरल की जनरल में ही काउंट होगी, लेकिन फाइनल के जो है वो जनरल में काउंट हो जाएंगी। ईडब्ल्यू के जो कैंडिडेट जिनकी कट ऑफ जो है ईडब्ल्यू से ज़्यादा है वो जनरल में काउंट हो जाएंगे। तो फाइनल कट ऑफ जो है वो कम जाएगी, लेकिन पहली कट ऑफ जो है वो ज़्यादा जाएगी ईडब्ल्यू की। अब आप किस कैटेगरी से अप्लाई करें यह बताती है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको जो 20 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं ना ग्रेजुएशन के, एनसीसी के, जिसका पिताजी गुजर चुके होते हैं 42 साल से पहले, फिर कैंडिडेट की 15 साल से पहले, जितने भी मतलब आपको 20 नंबर जो क्राइटेरिया है वो अगर 5 नंबर से कम है, ठीक है जी, अगर 5 नंबर से कम आपको नंबर मिलते हैं तो जो है आपको फ़ायदा किस में रहेगा? आपको फ़ायदा रहेगा ईडब्ल्यू में। अब वो कैसे रहेगा सुनिए जी। पहली जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी ऊंची, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ जाएगी, अगर आपको लगता है कि पहली स्टेज आप पार कर लोगे और जो फाइनल स्टेज है उस तक आप पहुंच जाओगे, तो लास्ट में जाकर आपका सिलेक्शन ना रुके, इसलिए आप ईडब्ल्यू में अप्लाई कीजिए, क्योंकि वो 4 नंबर आपके कम रहेंगे तो ईडब्ल्यू की कट ऑफ भी कम जाएगी। अगर आपके जनरल में नंबर 5 से ज़्यादा है, यानी कि 10-15 इसके आसपास आपके नंबर हैं, तो आप जनरल में फाइट कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको लगता है कि पहली स्टेज आप पार कर लोगे, फाइनल तक आप पहुंच जाओगे, तो जो कम आपके नंबर रहेंगे ईडब्ल्यू के अकॉर्डिंग, जनरल में जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाएगी, उसमें आपको क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा नंबर हैं वो आपको मदद करेंगे आपकी कट ऑफ को आगे ले जाने के लिए, ठीक है जी। मतलब आपको 10 से ज़्यादा 11 12 15 जितने भी नंबर मिलते हैं, तो आप जनरल में ही जो है अपना फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि पहली स्टेज अगर आप पार कर लेते हो तो आसानी से 10 नंबर 12 नंबर 13 नंबर मिलने पर आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच जाओगे। ये थी हमारी एक छोटी सी राय। अगर आपको ये राय पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।